हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं ये ब्लॉग अभी रस्ते से स्टार्ट कर रही हूँ और ये रहा 31st की नाइट। मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे और हम लोग निकले थे दुबई मॉल बुर्ज खलीफा के तरफ जाने के लिए। ये देखिए इतनी भीड़ है और बाकी देखिए। तो अभी हम आए हैं न्यू ईयर के नाम पे फुटबॉल रेस्टोरेंट में, क्योंकि आप लोग ने देख लिया इतना ज़्यादा भीड़ है कि हम लोग दुबई मॉल की तरफ तो नहीं जा सकते ऑब्वियसली। तो इसी वजह से हमने सोचा क्यों ना हम आधे में उतर जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था तो अपना माइंड चेंज कर लिया। सोचा कि यहाँ आधे रास्ते में उतर के ये रेस्टोरेंट में घुस जाए और यहीं पे थोड़ा अपना इवनिंग स्नैक्स खा लें। तो हमने लिया था चिकन क्लब सैंडविच, समोसा, मसाला टी। और ये देखिए मैं फुल बिजी हूँ खाने में, आपको पता ही है खाने के समय मैं इधर उधर नहीं देखती, बस खाते जा रहे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं ये सेंट्रल मॉल। यहाँ पे सोचा क्यों ना हम लोग अपने नाइट का डिनर जो भी है उसके लिए लेके जाते हैं चिकन। ये देखिए ग्रिल चिकन लेने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब जाके खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो सोचा बाहर से ये लेके जाते। तो हम अभी वेट कर रहे हैं, ग्रिल सैंडविच जैसे अभी निकाल रहे, गरम गरम लेके चलते। तो यहीं से मैंने ले लिया है एक ग्रिल चिकन और फिर दो चिकन शावरमा। सोचा कि क्यों ना सिर्फ ग्रिल चिकन से तो पेट भरेगा नहीं, शावरमा भी लेके चलते यहीं से। और ये रहा मेरा ग्रिल चिकन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ गए घर और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज का हमारा मेन्यू, जो कि है न्यू ईयर स्पेशल मेन्यू। ये रहे फिश फिंगर्स, चिकन नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज और ये रहा चिकन जो आप लोग ने देखा था मैं वहाँ से लेके आई थी। और फिर ये रहे शावरमा। तो आज इतना ही खाना है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ने देखा हम लोग खा के भी आए थे। और ये रहा सर्डाइंस जो हम लोग ने दिन में ही मतलब दोपहर को ही फ्राई कर लिया था। सो आज देखते हैं इतना खा के और क्या होता है नेक्स्ट। अभी खाना खा के हम लोग निकले हैं बाहर, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 11:30 और हमें जल्दी से पहुंचना है एक लोकेशन जहां पे आज रात को मतलब क्रैकर्स जलाने वाले हैं। ठीक है, यहां पे दुबई में हर जगह ऐसा ऐसा लोकेशन है जहां पे क्रैकर्स लाइटनिंग होती है। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना जल्दी से 12 बजे से पहले वहां पहुंच जाते हैं और फिर आप लोग को भी वो नज़ारा दिखाते हैं। मतलब एक पॉइंट है जहाँ से बुर्ज खलीफा दिखती है, लेकिन मोबाइल से इतना ज़्यादा क्लियर व्यू तो नहीं मिलने वाला है, फिर भी आप लोग को मैं दिखाने का कोशिश करूँगी। ये देखिए रास्ते में भीड़ देखिए, सब उसी तरफ जा रहा है और मैंने सोचा जल्दी जल्दी आप लोग के साथ भी शेयर करूँ और मैं भी खुद भी वो व्यू देखूँ, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन दुबई टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। ये देखिए हमारे पीछे कितने सारे लोग हैं और ये लोकेशन वो है जहाँ से हम लोग ने पिछले व्लॉग में आपने देखा था, जहाँ से हम लोग डिनर करने के लिए क्रूज़ पे गए थे। तो हाँ वही लोकेशन है ये दुबई आबरा है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर व्यू तो नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ आपको दिखेगा, लेकिन लाइटनिंग क्रैकर्स जो भी है यहाँ पर भी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना बुर्ज खलीफा तो आज हम इस बार नहीं गए। ये देखिए दूर में आपको दिख रहा है वो बुर्ज खलीफा का लाइट जो जल रहा है, तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं। कोशिश करेंगे अगले साल अगर हो पाया तो बिल्कुल उसके सामने जाके पहले से ही शूट कर लेंगे। ठीक है, और अभी फ़िलहाल हम लोग इसी लोकेशन पे जो होने वाला है वो उसका नज़ारा देखते हैं। और फिर यहाँ पे जो दिख रहा है प्रोजेक्टर्स ऑन हो गए हैं, मतलब अभी मुझे लगता है कि लाइट मतलब जो भी क्रैकर्स का शो है वो स्टार्ट होने वाली है। और सभी को इसी के साथ अभी 12 बज गया है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, लॉट्स ऑफ विशेस फ्रॉम आवर एंड, बहुत बहुत मुबारक हो सभी को नए साल की। इसी के साथ अभी चलते हैं हम वापस घर की तरफ। और ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग वहाँ तक जा नहीं पाए जो भी, वो लोग यहाँ दूर से ही देख रहे थे, तो हम लोग ने तो वहाँ तक गए। और ये देखिए रास्ते में लोग कैसे डांस कर रहे हैं, क्योंकि 12 बजे है और साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं हर गाड़ी को रोक के उसके सामने थोड़ा बहुत डांस करते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे क्या करते हैं लोग।
हर एक गाड़ी जो भी अभी क्रॉस होगी ना, उनको थोड़ा देर वो लोग रुका के उनके सामने डांस करते हैं और फिर न्यू ईयर वैसे विश करके फिर जाने देते हैं। ये देखिए, ये सामने में जो है वो क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी जैसे क्रॉस हो गई उससे पहले वो लोग आ जाते हैं, पूरे रास्ते में पकड़ लेते हैं सभी लोग और फिर इसके सामने डांस करेंगे, थोड़ी देर वेट करवाएंगे और फिर बोलेंगे ओके आप जा सकते हो। तो ये एक एंजॉयमेंट है यहाँ की। और फिर हम पहुंच गए घर और आपको पता ही है नया साल है, कुछ मीठा तो बनता है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये सरप्राइज़, एक्चुअली ये चॉकलेट मैंने कभी नहीं खाया है और मुझे बहुत मन था कि खाने के लिए, तो वो सरप्राइज़ के लिए ये लेके आया था। तो फिर इसको ट्राई करते, ये देखिए और दो है, मतलब तीन लेके आए थे। तो अभी इसी के साथ आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ब्लॉग देख के अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं खाती हूँ अभी ये मिठाइयाँ और आप लोग को फिर से और एक बार नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बाय गाइस, टेक केयर।